जय हिंद एवरी वन सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेज दिस इज द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक कितने दिनों से आप बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे सर इंडियन फॉरन ट्रेड जो सिलेबस में टॉपिक मैंशन है इसको हमें पढ़ना है देखो मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि जो इकोनॉमी है ना वो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है ठीक है इसको बिल्कुल भी रटना नहीं है रटने की कुछ चीजें आएंगी आगे जो मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेड में इंडिया की क्या सिचुएशन चल रही है हम कितना एक्सपोर्ट करें कितना इम्पोर्ट करें किन चीजों को ज्यादा करें किन को कम करें ये सब चीजें थोड़ी फैक्चुअल रखने वाली हैं बट कंसेप्ट जो है उससे पहले उन चीजों तक पहुंचने से पहले आपको कंसेप्ट समझना इज इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल भी मतलब यहां पर ना ये टॉपिक ऐसा है कि नजर हटी दुर्घटना घटी तो कंसल्टेशन थोड़ी भी मिस होगी तो छूट जाएगा इकोनॉमी तो ऐसे ही पड़ी जाती है तो ध्यान से पहले आप पूरा समझोगे देखो मैंने सारा ही कवर करा हुआ है पूरा यहाँ पे फ्लो चार्ट वगैरह बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा और ये चार्ट्स वार्ट्स भी डाले हुए जो इंपॉर्टेंट डेटा है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो लेक्चर थोड़ा तो लेंदी भी हो सकता है बट पूरी कंसंट्रेशन से आप सुनोगे ठीक है सर कितना बोलोगे आप स्टार्ट करते हैं ठीक है स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला फॉरन ट्रेड समझने से पहले सबसे पहले आपको चीज समझनी है एक बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या समझना है बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक है बैलेंस ऑफ पेमेंट कुछ नहीं है हिंदुस्तान मान लेते हैं इंडिया जो है वो बाहर किसी वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं उनके साथ कुछ ना कुछ ट्रेड करता है किस किस वे में ट्रेड होता है फॉर एग्जांपल हम सामान भेज फॉर एग्जांपल मैंने मेरे को रूबी पसंद है मान लेते हैं जीप रैंगलर की ठीक है मुझे यूएसए से मंगवानी है वो इंडिया में मान लेते हैं ठीक है यूएसए से इंडिया में मंगवानी है इसका मतलब है कि मैं यूएसए को पैसे दूंगा ठीक है मतलब यूएसए को पैसे देने पड़ेंगे ना जिस कंपनी से मैं रेंगलर से मंगवाऊंगा तो ये ये भी एक तरह का ट्रेड है अब दूसरा सुनो इसको बोलते हैं ट्रेड ऑफ गुड्स क्योंकि सामान आ रहा है वहां से इंडिया में ध्यान से सुनना वहां से इंडिया में सामान आएगा जीप आएगी और मैं पैसे दूंगा तो ये ट्रेड का पार्ट है इसी तरह से फॉर एग्जांपल वहां के किसी हॉस्पिटल में जाकर मैं कुछ सर्विसेज लेता हूँ इलाज करवाता हूँ तो वो एक सर्विस सेक्टर में आएगा तो वहां पर भी तो मैंने पैसे खर्च किए हैं ठीक है तो वो आएगा सर्विसेज में अब फॉर एक्जाम्पल आपको पता हमारे कितने से कितने ज्यादा इंडिया जो है कोई कैनेडा जाता है कोई सऊदी कंट्रीज में जाता है वहां से पैसे बेचते हैं अपने घरों में ठीक है उनको बोलते हैं रेमिटेंसेज वो भी तो बाहर वाली कंट्री से इंडिया में आ रहे हैं तो मतलब जितना भी जितने भी ट्रांजेक्शन हो रही है इंडिया की फॉरन कंट्रीज के साथ वो सारी ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड होती है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक है इतना आपको समझ आ गया तो बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन जो होती हैं गुड्स में भी हो सकती हैं मतलब कार ली ऐसे याद करो सर्विसेज फॉर एग्जांपल किसी हॉस्पिटल में गए या एजुकेशन सर्विस किसी भी जैसे फॉर एग्जाम्पल पढ़ा रहा हूँ यूएसए के बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये भी एक सर्विस में आता है और एसेट खरीदा फॉर एग्जाम्पल मैंने वहां की कोई कंपनी खरीद ली ठीक है तो ये सारी चीजें रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब टाइम पीरियड मतलब एक साल यूजुअली मानते हैं मतलब एक साल के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शने हुई ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन हुआ गुड्स का हुआ सर्विसेज का हुआ या हमने कोई एसेट खरीदे या किसी से लोन लिया वो सारा जो रिकॉर्ड है ना हम अब बनाते हैं उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक है इतना आपको समझ आ गया देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट जस्ट मतलब एक अकाउंट बनाना है बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट मेनली बनते हैं एक बनता करंट अकाउंट एक बनता कैपिटल अकाउंट कौन सा एक बनता है करेंट अकाउंट एक बनता है इसलिए पढ़ा रहा हूं एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कंसेप्चुअल प्लस जो अभी सिचुएशन क्या चल रही है फॉरन ट्रेड की हमारी वो भी पूछ सकता है दोनों चीजें पूछ सकते दोनों समझ समझने तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट बनते हैं एक बनता करंट अकाउंट एक बनता है कैपिटल अकाउंट पहले हम पढ़ेंगे करंट अकाउंट देखो करंट अकाउंट क्या होता है मतलब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में यही फर्क है कि करंट अकाउंट में मतलब इमीडिएटली जो चीजें आपने अपने यूज के लिए ली फॉर एग्जांपल मैंने कोई सामान ले जैसे कार की एग्जांपल एग्जाम्पल मैंने कार ले ली मतलब गुड ले लिया वो एक करेंट अकाउंट में आ गया कैपिटल अकाउंट में वो चीजें आती है जो कोई मतलब एसेट क्रिएट हो एसेट क्रिएट मतलब मैंने वहां पर कंपनी खरीद ली कंपनी खरीद लिया मेरे को हर साल प्रॉफिट आता रहेगा या मैंने कहीं से लोन लिया जब भी हम कभी कहीं से उधार लेते हैं उसको बोलते हैं लाइबिलिटी और जब हम कभी किसी जगह पे फॉर एग्जाम्पल कंपनी खरीद लिया किसी के शेयर खरीद लिया उसको बोलते हैं एसेट तो जहां पर भी एसेट और लाइबिलिटी की बात होगी ना वो सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में आएगी और उसको छोड़ के बाकी जो बचेगा वो सारा करंट अकाउंट में आएगा ठीक है वो सारी चीजें क्या आएगी करंट अकाउंट में मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कंट्री से उधार लिया है तो वो कैपिटल अकाउंट में आया कहीं में कोई कंपनी खरीद ली है पूरी की पूरी तो वो आप, आपको हर साल प्रॉफिट आता रहेगा वो भी कैपिटल अकाउंट में आएगा बट अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कार ली है या कोई यूएसए uh, में काम कर रहा है वो अपने घर में पैसा भेज रहा है या कोई ग्रांट में पैसा आ रहा है फॉर एग्जाम्पल कोई कंट्री हमें ग्रांट में फ्रीली पैसा दे रही है तो ये सारा किस में आता है करेंट अकाउंट में आता ठीक है दिस इज क्लियर अब यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज ये समझनी है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा करंट अकाउंट का कंपोनेंट है इनमें से कोई भी एक चीज बोल देगा कि ट्रांसफर पेमेंट किस में आता है करंट अकाउंट में आता है कैपिटल अकाउंट तो ये आपको समझना है बेसिकली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ठीक है पहले आज कंसेप्ट समझ लो बाकी एक लेक्चर में आपको ये भी पढ़ा दूंगा मैं तो देखो करंट अकाउंट में क्या आता है करंट अकाउंट में एक तो गुड्स आते हैं हमारे ठीक है क्या आता है ट्रेड इन गुड्स मतलब गुड्स आ, आ सकते हैं थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं आपके लिए ठीक है एक क्या आ सकते हैं गुड्स आ, आ सकते हैं ट्रेड इन गुड्स और दूसरा क्या आ सकता है ट्रेड इन सर्विसेज तो करंट अकाउंट में सर्विसेज भी आ सकते हो और तीसरा आ गया ट्रांसफर पेमेंट क्या है देखो ध्यान से ट्रेड इन गुड्स मतलब आप किसी कंट्री के साथ गुड्स में ट्रेड कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मैं यहां से बाहर क्या भेजता हूँ जूट जूट के कपड़े भेजता हूँ बाहर ठीक है इसका मतलब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ एक्सपोर्ट मतलब बाहर बेचना ठीक है दूसरी कंट्री को बेचना तो डैट इज ट्रेड इसमें ट्रेड हो रहा है गुड्स में ट्रेड गुड्स में ट्रेड होने का मतलब जब आप ट्रेड कर रहे हो और किसी को कोई सामान दे रहे हो ठीक है उसके बदले पैसे ले रहे हो तो मतलब वो ट्रेड हो गया गुड्स में फॉर दूसरा आ गया इंपोर्ट ऑफ गुड्स मतलब आप इंपोर्ट भी इम्पोर्ट होता है बाहर से मंगवाओं जैसे मैंने एक्जाम्पल मैंने कार मंगवाई यूएसए से तो मतलब ये होगा इंपोर्ट ऑफ गुड्स तो ये किस में आएगा करंट अकाउंट में आएगा ठीक है इस तरह फॉर एक्जाम्पल आप सर्विसेज में ट्रेड करें सर्विस में ट्रेड फॉर एग्जाम्पल मैं वहां पर किसी फैक्ट्री में काम करता हूँ और वहां से फैक्ट्री से मुझे जो इनकम जनरेट होती है वो आ गया किस में आएगा वो भी करंट अकाउंट में आएगा या दूसरा आ गया नॉन फैक्टर इनकम नॉन फैक्टर इनकम में वो सर्विसेज आ जाती है जहां पर कोई फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं है मतलब वहां पर फैक्ट्री वाला सिस्टम नहीं है बट काइंड ऑफ जैसे हम हाँ हॉस्पिटल में लगे हैं या कोई टूरिज्म सेक्टर है या बैंकिंग है ये सारी किस में आती है नॉन फैक्टर इनकम में आती है आपको इतना याद नहीं रखना है आपको जैसे इतना याद रखना है कि गुड्स का ट्रेड जो है वो करंट अकाउंट में आता है सर्विसेज भी किस में आती है करेंट अकाउंट में आती है और ट्रांसफर पेमेंट भी किस में आती है करेंट ट्रांसफर पेमेंट का मतलब है जहां पर कोई गुड या सर्विसेज का लेना देना नहीं हुआ है जस्ट फ्री में पैसा है फॉर एग्जांपल कोई गिफ्ट देता है हमें फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई रिश्तेदार है यूएसए में उसने मुझे कोई गिफ्ट दिया तो अगर उसने मुझे कोई गिफ्ट दिया इसमें मतलब गिफ्ट में कोई चीज आई ना कोई पैसा तो आया ना इंडिया के अंदर तो उसको भी तो रिकॉर्ड करना है बैलेंस ऑफ पेमेंट में उसको भी तो ट्रांजेक्शन है वो तो लिखनी है ना तो वो किस में आएगा वो भी करंट अकाउंट इसी तरह रेमिटेंसिस मैंने आपको समझाया फॉर एग्जाम्पल हमारे कुछ लोग बाहर काम करते हैं तो अपने घरों में पैसा भेजते हैं रेमिटेंसिस बोलते हैं इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेमिटेंसिस रिसीव करता है सबसे ज्यादा पैसा जो है रेमिटेंसिस के थ्रू इंडिया में ही आता है तो ये किसका पार्ट है करंट अकाउंट का पार्ट है ठीक है ये चीज आपने समझनी है ठीक है अब देखो अब एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा कि क्या इंडिया करेंट अकाउंट में डेफिसिट में है या सरप्लस में है ध्यान से सुनो डेफिसिट और सरप्लस क्या होता है देखो करेंट अकाउंट में सुनो करंट अकाउंट में दो चीजें मेन बोली गई एक, एक तो होता है ट्रेड ऑफ गुड्स एक तो होता है गुड्स का ट्रेड और दूसरा होता है सर्विसेज का ट्रेड अब ध्यान से सुनना ये स्टोरी की तरह समझना कि एक हो गया गुड्स का ट्रेड और दूसरा हो गया सर्विसेज का ट्रेड अब जब भी ध्यान से सुनो जब भी पैसा इंडिया के अंदर आएगा ना फॉर एग्जाम्पल मैंने बाहर सामान बेचा फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बेचा मैंने बाहर कोई मैंने डायमंड को बाहर बेचा मैंने इंडिया से बाहर डायमंड बेचा तो डायमंड बेचने के बाद इंडिया में क्या आएगा पैसा आएगा क्या आएगा पैसा तो जिस भी चीज से इंडिया में पैसा आएगा जिस भी चीज से इंडिया में पैसा आएगा उसको हम बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे और जिसकी वजह से पैसा इंडिया से बाहर जाएगा उसको हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे उसको क्या करेंगे डेबिट करेंगे क्या करेंगे डेबिट करेंगे तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर मैं ज्यादा गुड्स बेच रहा हूं अगर मैं एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा हूं एक्सपोर्ट मतलब मैं सामान ज्यादा बेच रहा हूं इसका मतलब इंडिया में ज्यादा पैसा आ रहा है इसका मतलब वो क्या होगा क्रेडिट ज्यादा होगा पर फॉर एग्जांपल मैं इंपोर्ट ज्यादा कर रहा हूं अगर मैं ज्यादा बाहर से सामान मंगवा रहा हूं तो उस केस में क्या होगा डेबिट ज्यादा होगा ठीक है क्रेडिट को पॉजिटिव मानते हैं और डेबिट को नेगेटिव मानते हैं अब इंडिया के केस में क्या है इंडिया के केस में यह है कि हम गुड्स का एक्सपोर्ट कम करते हैं क्या करते हैं एक्सपोर्ट कम करते हैं मतलब बेचते गुड्स कम है बेचते हैं दूसरी कंट्रीज को बट इंपोर्ट ज्यादा करते हैं मतलब मंगवाते बाहर से ज्यादा है मंगवाते ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा हमारा हमारा ट्रेड डेफिसिट है डेफिसिट मतलब कहने का मतलब हमें फायदा कम हो रहा है उसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट देखो ना हम सामान कम बेच रहे हैं और मंगवा ज्यादा रहे हैं तो अगर कम बेच रहे इसका मतलब इंडिया में कम पैसा आ रहा है क्योंकि आप बेचोगे तो पैसा आएगा ना तो और दूसरे केस में हम ज्यादा सामान बाहर से मंगवाए इसका मतलब इंडिया से बाहर ज्यादा पैसा जा रहा है तो कहने का मतलब है इंडिया में क्या है ट्रेड में डेफिसिट है कौन से ट्रेड में गुड्स की बात हो रही है किसकी बात हो रही है गुड्स सामान की बात हो रही है? है अगर मैं सर्विसेज की बात करूं ना तो इंडिया वर्ल्ड में बहुत ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो सर्विसेज के केस में हम सरप्लस में क्योंकि हम बहुत आपको पता है ना इंडिया का जो बैंगलोर वाला रीजन है वो कितना सुपीरियर है इस जो टेलीकॉम सर्विसेज में ठीक है कितने बड़े बड़े सेंटर्स हैं वहां पर कॉल सेंटर ये वो मतलब तो सर्विसेज सेक्टर में इंडिया में सरप्लस है मतलब कहने का मतलब है ट्रेड में सरप्लस कहने का मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड में सरप्लस कहने का मतलब है कि हम सर्विसेज जो हैं दूसरी कंट्रीज को ज्यादा प्रोवाइड करते हैं और उनसे सर्विसेज कम लेते हैं इस वजह से इंडिया में पैसा ज्यादा आता है तो ओवरऑल अगर कोई आपको पूछे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको मैं समझाता हूँ क्या ये सारी चिट्ठा इसलिए समझा आपको ये क्वेश्चन समझाने के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मर्चेंडाइज ट्रेड में मर्चेंडाइज मतलब होता है गुड्स के ठीक है गुड्स जो हम बेचते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं मर्चेंडाइज गुड्स के ट्रेड में इंडिया में क्या है डेफिसिट है या सरप्लस है क्या है डेफिसिट है या सरप्लस तो आप बोलोगे डेफिसिट है क्यों डेफिसिट है क्योंकि हम सामान बाहर से ज्यादा मंगवाते हैं और बाहर कम बेचते हैं ठीक है अगर हम सामान ज्यादा मंगवा रहे हैं इसका मतलब ज्यादा पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है खर्चा ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब उसमें क्या है डेफिसिट बट अगर आपको पूछे कि सर्विसेज में अगर पूछे कि सर्विसेज में इंडिया में क्या है तो डेफिसिट है या सरप्लस है तो सर्विसेज में इंडिया में सरप्लस है क्योंकि हम सर्विसेज ज्यादा प्रोवाइड करते हैं और बाहर से कम लेते हैं ठीक है ओवरऑल अगर आपको पूछे कि करंट अकाउंट में क्या है तो करंट अकाउंट में हमारा डेफिसिट रहता है ठीक है क्या रहता है डेफिसिट रहता है मतलब करंट अकाउंट में डेफिसिट रहने का मतलब है कि हम जो है इंपोर्ट जो है चीजों का वो ज्यादा करें और एक्सपोर्ट कम करें इसलिए हमारा करंट अकाउंट में डेफिसिट है दिस इज क्लियर आई होप आपको यह समझ आया होगा देखो पैसा आना इज क्रेडिट पैसे का बाहर जाना इज डेबिट इतना बस याद करो तो जितना हम एक्सपोर्ट करेंगे ज्यादा तो उतना पैसा आएगा और जितना इंपोर्ट कम करेंगे तो उतना पैसा कम जाएगा बाहर बट हम एक्सपोर्ट करते हैं कम इंपोर्ट करते हैं चीजें ज्यादा है, इसलिए हमारा डेफिसिट है बट सर्विसेज के केस में उल्टा है सर्विसेज के केस में हम क्या करते हैं इंपोर्ट कम करते हैं सर्विसेज बट सर्विसेज बाहर वाली कंट्रीज को ज्यादा प्रोवाइड की इसलिए सर्विसेज में सरप्लस है बट जब दोनों को मिला के बात करते हैं ना तब भी हमारा करंट अकाउंट में क्या आता है डेफिसिट आता है क्योंकि हमारा ट्रेड में बहुत डेफिसिट है ये मैं अभी आपको फिगर्स ये जो आगे मैंने वो ग्राफ्स बनाए ना वो ये चीज आपको समझाएंगे तो आई होप आपको करेंट अकाउंट वाला सिस्टम समझ आया होगा ठीक है देखो एक बार लास्ट में रिवाइज करवा दूंगा अभी जस्ट इतना मैंने आपको अभी तक तो क्या पढ़ाया वो एक बार सुन लो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है वो सारी ट्रांजेक्शन जो भी हम बाहर वाली कंट्रीज के साथ करते हैं चाहे हम उनको गुड्स बेचते हैं या सर्विसेज बेचते हैं या उनसे लेते हैं या कुछ भी है सारे रिकॉर्ड करता है उसके दो कंपोनेंट है एक कंपोनेटे करेंट और कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एसेट और लाइबिलिटी मतलब जब भी आप बाहर वाली किसी कंपनी का शेयर खरीद लो या कोई लोन ले रहे हो तो जब भी उधार या उधार चुकाना उधार मुकाने वाली बात है तो वो कैपिटल में आएगा उसको छोड़ के बाकी सारा करेंट में आएगा तो करेंट में मैंने आपको बताया मेन चीजें होती हैं गुड्स में ट्रेड होता है सर्विसेज में होता है और ट्रांसफर पेमेंट ट्रांसफर पेमेंट मतलब फ्री में जो पैसा आ रहा है जैसे रेमिटेंसिस आ रहे हैं उसके बदले हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं और फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट्स आ रहे हैं तो वो रेमिटेंस वो जिसमें आता है वो सारे करेंट अकाउंट में आता है तो मैंने आपको ट्रेड की सिचुएशन बताई गुड्स में गुड्स में हम इम्पोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं इसलिए हमारा डेफिसिट है क्योंकि हमारा पैसा ज्यादा बाहर जाता है और हम पैसा बाहर से कम करवा रहे हैं बट सर्विसेज की बात करें तो सरप्लस है क्योंकि हम सर्विसेज जो है बाहर वाली कंट्रीज को ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे हम कम सर्विसेज ले रहे हैं इसका मतलब वहां से हम ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो इसीलिए अगर ओवरऑल देखेंगे तो हमारा करंट अकाउंट क्या है कोई पूछे करंट अकाउंट ओवरऑल क्या है डेफिसिट है डेफिसिट क्यों है क्योंकि हम बाहर से ज्यादा इंपोर्ट करें और पैसा बाहर ज्यादा भेज रहे, है। रहे हैं बाहर ज्यादा भेज रहे हैं मतलब मतलब पैसा अगर इंडिया से ज्यादा बाहर जा रहा है तो मतलब डेफिसिट है ठीक है अब अगर हमारा करंट अकाउंट में डेफिसिट है तो इसको पूरा कहां से करेंगे तो कैपिटल अकाउंट से करेंगे अब बेसिकली कैपिटल अकाउंट में आता क्या क्या वो समझो पहले ठीक है कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट का मतलब है ऐसा कोई भी लेन देन जिसमें या तो एसेट होगा या लाइबिलिटी होगी एसेट मतलब एसेट वो चीज होती है जो आपको फ्यूचर में काम दे फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं ना कि हम बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स के लिए एसेट हैं क्यों क्योंकि हम कल कमा के उनकी सेवा करेंगे तो एसेट वो चीज होती है तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर बेटा खराब निकल जाए मतलब वो शराबी निकल गया ठीक है काइंड ऑफ तो बोलते हैं कि वो फैमिली के लिए लाइबिलिटी बन गया अब वो क्या है फैमिली के सिर पे पड़ गया वो कमा के तो दे नहीं रहा है उल्टा घर वालों के भी पैसे लूट रहा है तो वो होता है लाइबिलिटी लाइबिलिटी होता है आपने किसी का उधार देना है और एसेट होता है आपने मतलब लोगों की मदद के लिए काइंड kind ऑफ of, कोई एक कंपनी में सीधे जो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट देगा उसको बोलते हैं एसेट और जो आपने फ्यूचर में लोगो देना है किसी को तो वो होता है उधार तो वो उसको बोलते हैं लाइबिलिटी तो जब भी ऐसी दो चीजें आएंगी वो कैपिटल फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट अगर आप किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो किसका अकाउंट है कैपिटल अकाउंट का फॉर एग्जाम्पल मैंने यूएसए में किसी कंपनी में शेयर खरीद लिए तो भाई मैंने इन्वेस्टमेंट वो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो हर साल मुझे प्रॉफिट देगी तो वो क्या है एक तरह का एसेट है ना मेरा वो क्या है एसेट तो ये किस में आएगा कैपिटल अकाउंट में इस तरह अगर स्पोर्ट का एक्सटर्नल आप किसी बाहर वाली कंट्री से उधार लेते हो जैसे फॉर एक्जाम्पल मान लेते हैं मैंने यूएसए की एक कंपनी से उधार ले लिए यूएसए के बैंक से उधार ले लिया तो भाई वो मेरे लिए लाइबिलिटी है मैंने कल चुकानी है ना हर साल मुझे इंटरेस्ट पड़ता रहेगा तो वो भी किस में आता है अकाउंट में या बाहर वाले फॉर एग्जाम्पल कोई मल्टी लेटरल इंस्टीट्यूट है जैसे uh, वो है हमारा डब्ल्यू uh, टी ओ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है वर्ल्ड बैंक है उनसे हम उधार लेते हैं तो हमें वापस चुकाना भी तो है तो बेसिकली ये सारा मतलब जहां पर भी लाइबिलिटी और एसेट की बात होगी उसमें क्या होगा कैपिटल अकाउंट ठीक है दिस इज क्लियर अब मैंने आपको एक रूल पढ़ाया हुआ है रूल क्या पढ़ाया हुआ है कि जो भी पैसा इंडिया में आएगा उसको बोलेंगे क्रेडिट और जो भी इंडिया से पैसा बाहर जाएगा उसको बोलेंगे डेबिट ठीक है अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी कंट्री से उधार ले रहे हो मैंने क्या किया किसी कंट्री से उधार लिया ठीक है बॉरोइंग की तो वो किस में आएगा वो तो क्रेडिट होगा ना क्यों क्योंकि अगर मैं उधार ले रहा हूं किसी कंट्री से तो भाई इंडिया में तो पैसा आ रहा है ना आ रहा है ना तो पैसा जब इंडिया में आ रहा है तो वो क्रेडिट होगा और जो पैसा बाहर जा रहा है वो डेबिट होगा फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी कंट्री में एसेट ले लिया एसेट कहने का मतलब मैंने किसी कंट्री में इन्वेस्ट कर दिया मैंने अपना पैसा लगा दिया तो मेरा तो पैसा गया ना बाहर उस कंट्री में जब मैंने इन्वेस्ट किया तो वो क्या होगा डेबिट होगा वो क्या होगा डेबिट होगा अब देखो ध्यान से सुनो मतलब पैसे का आना इस क्रेडिट पैसे का बाहर जाना इस डेबिट मतलब अगर मैं किसी कंट्री में एसेट लेता इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो वो मतलब डेबिट होगा ठीक है और अगर मैं किसी कंट्री से उधार लेता हूँ या कोई कंट्री मेरी कंट्री में इन्वेस्ट करता है फॉर एक्जाम्पल यूएसए इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो पैसा ला रहा है वो मतलब किस में आएगा वो क्रेडिट में आएगा अब मैं एक चीज आपको पूछता हूँ ठीक है अगर मैंने अभी आपको बताया था कि करंट अकाउंट में हमारा डेफिसिट चल रहा है ठीक है डेफिसिट चलने का मतलब है कि करंट अकाउंट में हम बाहर से बाहर हमारा पैसा ज्यादा जा रहा है क्योंकि हम इम्पोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट जो है वो हम कम कर रहे हैं ठीक है बाहर से हम पैसा कम कमा रहे हैं अब उसको पूरा करने के लिए हमें कैपिटल अकाउंट में पैसा लाना पड़ेगा बाहर से तो हम पैसा बाहर से कैसे लाएंगे क्योंकि ओवरऑल जो कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना वो हमेशा ओवरऑल क्या होता है कंट्री का जीरो होता है मतलब कहने का मतलब है करेंट अकाउंट ये समझो ये फॉर्मूला है करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इन दोनों को मिला के हमेशा जीरो होना चाहिए क्या होना चाहिए जीरो बट करेंट अकाउंट में तो हमारा नेगेटिव चल रहा है क्योंकि हम डेफिसिट में इसका मतलब कैपिटल अकाउंट में हमें बाहर से पैसा ज्यादा लाना पड़ेगा अब बाहर से पैसा लाने का क्या तरीका है एक तो बाहर वाली कंट्रीज कंपनीज हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करें अब वो तो इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते दूसरा तरीका क्या है कि हम बाहर वाली कंट्री से उधार लें ठीक है उधार लें लोन लें अब लोन भी तो हम एक लिमिट का ले सकते हैं उसके ऊपर लोन भी नहीं ले सकते और तीसरा तरीका क्या है तीसरा तरीका होता है कि हम देखो अगर से यार घर से समझो इकोनॉमी ना घर से चलती है आप मान लेते हैं आपका करेंट अकाउंट में मतलब मान लेते हो आपका इस महीने का आपकी महीने की इनकम थी पचास हजार ध्यान से सुनना मेरी बात आपके महीने की इनकम है मेरी फिफ्टी थाउजेंड मेरा इस महीने में खर्चा हो गया एट्टी थाउजेंड क्या हो गया एट्टी थाउजेंड अब मेरे पास क्या ऑप्शन है एक मेरे पास ऑप्शन है कि मेरे पास एक घर पे पुरानी स्कूटी पड़ी हुई है ठीक है जो मैं बेच सकता हूँ तो क्योंकि ओवरऑल मैंने जीरो करना है मेरे पास पचास हजार है मैंने अस्सी हजार का खर्चा कर दिया तो मेरे को ये यहाँ पर तीस हजार और ला के इसको पूरा जीरो बनाना है ये बनाना पड़ेगा क्योंकि एक साल का खाता है, एक साल में ही क्लोज होता है अब मेरे को ये बेसिकली मेरे को तीस हजार रुपये बाहर से लाने हैं अब तीस हजार था रुपए लाने के मेरे पास क्या तरीके हैं एक तो है मेरे पास एक पंद्रह हजार की स्कूटी तीस हजार की स्कूटी है मान लेते हैं मैं स्कूटी बेच देता हूँ एक मेरे पास ये ऑप्शन है ठीक है और और क्या ऑप्शन है और है कि मेरे चाचा से मैं तीस हजार था रुपए मांग देता हूँ ठीक है वो तो मैं एक लिमिट तक ही मांग सकता हूँ क्योंकि मैं किसी से मांगू यही है बेसिकली यही चीज है मैं वर्ल्ड लेवल पर भी यही समझा रहा हूँ तो दूसरा मेरे पास ऑप्शन है मैं किसी रिलेटिव से या किसी फ्रेंड से पैसे मांग लू तीस ये दूसरा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन भी है एक क्या अगर मेरे पास बुगनी है बुगनी किसे कहते हैं मतलब तो अगर आपकी कहीं सेविंग पड़ी हुई है मैं अपने सेविंग का पैसा भी यूज कर सकता हूँ तो ओवरऑल इंडिया के, के केस में भी यही होता है इंडिया के करंट अकाउंट में हर बार डेफिसिट आ जाता है तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचते हैं या तो हम कहीं से उधार लें या हम अपने एसेट बेचें फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी कोई कंपनी बेच दूं इंडिया अपनी कोई कंपनी बेच दे दूसरा तरीका और तीसरा है वो अपने रिजर्व यूज करे इंडिया एक चीज रखती है जिसको बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व क्या बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व ये भी पढ़ेंगे फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है है कि फॉरेन करेंसी में इंडिया अपने पास पैसा रखती है। मतलब डॉलर्स रखती है अपने पास ताकि एमरजेंसी वाली सिचुएशन आ जाए जब तो हम उस पैसे का यूज कर सकें क्योंकि आप बाहर से जब हम इंपोर्ट करते हैं फॉर एक्साम्पल हमें पेट्रोल मंगाए तो भाई वो रुपए में थोड़ी आता है वो तो किस में आएगा डॉलर में इसलिए हम क्या रखते हैं फॉरेक्स रिजर्व रखते हैं तो जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में ध्यान से सुनो जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट हो जाता है कहने का मतलब यह है कि जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमें पैसा पूरा नहीं पड़ता है मतलब करेंट अकाउंट तो है ही डेफिसिट और कैपिटल अकाउंट में भी डेफिसिट हो जाता है यहां पर ये इसको पूरा नहीं कर पाता है कैपिटल अकाउंट का सरप्लस तो हमारा ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो डेफिसिट हो गया तो हमें क्या करना पड़ता है हमें अपने फॉरेक्स रिजर्व में से निकाल के पैसा देना पड़ता है क्या करना पड़ता है फॉरेक्स रिजर्व से निकाल के पैसा देना पड़ता है तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाता है बट अगर सपोज करो किसी साल ऐसा होता है कि हमारा करंट अकाउंट जो है उसमें तो हमेशा ही डेफिसिट रहता है बट हमारा कैपिटल अकाउंट में सरप्लस आ जाता जा है मान लेते हैं हमने किसी से उधार ले लिया या कुछ और कर लिया किसी और अपनी कोई कंपनी भेज दी उस केस में क्या हुआ हमारा मान लेते हैं सरप्लस हो गया मतलब कहने का मतलब है कि हमारे इंडिया में हमारे इंडिया से बाहर गया पांच करोड़ और बट इंडिया में आ गया मान लेते छह सौ करोड़ और ये जो सौ करोड़ बच गया ये हमारे कहाँ पे चल जाएगा फॉरेक्स रिजर्व में ये वैसे करोड़ में नहीं होगा ये डॉलर में होगा ये कहाँ पे चल जाएगा फॉरेक्स रिजर्व में तो आपको एग्जाम में यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट होगा जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट होगा तो आपका फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा कि कम होगा बताओ मुझे आपका फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा या कम होगा और जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस होगा तो तब हमारे फॉरेक्स रिजर्व में क्या होगा ठीक है फॉरेक्स रिजर्व में क्या होगा देखो यार जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट है कहने का मतलब यह है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट का मतलब यह है कि आपका खर्चा ज्यादा हो गया आपकी कमाई कम थी तो आप क्या करोगे अपने फ़ॉरेक्स रिजर्व से पैसा निकालोगे इसका मतलब आपका फ़ॉरेक्स रिजर्व क्या हो जाएगा कम और जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस है मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके इंडिया से बाहर गया 500 बिलियन डॉलर इंडिया से बाहर गया मान लेते हैं ठीक है 500 बिलियन डॉलर इंडिया से बाहर गया बट बाहर से इंडिया में 600 बिलियन डॉलर आ गया कितना आ गया 600 बिलियन डॉलर तो ये जो 100 बिलियन डॉलर बचेगा ये आप कहाँ डाल दोगे फॉरेक्स रिजर्व में डाल दोगे कहां पर डाल दोगे फॉरेक्स रिजर्व तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब डेफिसिट होता है तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है कम होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब सरप्लस होता है तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है ठीक है आई होप ये चीज आपको समझ आई है देखो इस वीडियो को एक बार इसके आगे कुछ नहीं है बाकी सारा आपको पांच मिनट में समझ आ जाएगा अगर ये सारा कंसेप्ट आपको समझ आ गया ना इसके बाद वाला समझने में आपको पांच मिनट लगेंगे ठीक है बट ये कंसेप्ट समझना ज़रूरी था मैंने आपको अभी तक तो क्या समझाया बेसिकली जितनी भी इंडियन फॉरन ट्रेड में यही सब आता है मतलब जितनी भी ट्रांजेक्शन इंडिया करता है बाहर वाली कंट्री के साथ चाहे गुड्स में कर रहा है सर्विसेज में कर रहा है या रेमिटेंसी ले रहा है वो सारे किस में आते हैं उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, इस बैलेंस ऑफ पेमेंट दो अकाउंट बनाते हैं करंट अकाउंट बनाते हैं एक और दूसरा कौन सा बनाते हैं कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में क्या आता है आपका गुड्स आ जाती है जो आप लेते देते हो और सर्विसेज आ जाते हो या रेमिटेंसिस वगैरह आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट में हमारी इन्वेस्टमेंट आ जाती है या हम बाहर से जो उधार लेते हैं एक्सटर्नल बॉरिंग्स वो आ जाती है तो कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट की बात करें तो गुड्स में आपको पता है हमारा डेफिसिट रहता है हम गुड बाहर से ज्यादा मंगवाते हैं और इधर से कम एक्सपोर्ट करते हैं इसका मतलब देखो डेफिसिट होने का मतलब जब इंडिया में पैसा कम आ रहा है तो डेफिसिट इंडिया में पैसा ज्यादा आ रहा है तो सरप्लस अब गुड्स के केस के में हम गुड्स बाहर से ज्यादा मंगवाते हैं तो इंडिया से पैसा बाहर ज्यादा जाता है इसका मतलब गुड्स में हमारा डेफिसिट है बट सर्विसेज में सर्कुलरस है बट सर्विसेज में जो सर्कुलरस है वो इतना ज्यादा नहीं है गुड्स में डेफिसिट ज्यादा है इस वजह से क्या होता है है ओवरऑल करंट अकाउंट में डेफिसिट रहता फिर हम क्या करते हैं इसको पूरा करने के लिए कैपिटल अकाउंट की तरफ तो देखते हैं कैपिटल अकाउंट में क्या है कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं हमारी जो बाहर की देखते हैं बाहर से पैसा अगर हम उधार ज्यादा ले रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट भर जाएगा क्योंकि जितना पैसा इंडिया में आएगा चुकाने की बात नहीं है जितना पैसा आप इस साल में ले रहे हो तो ये कैपिटल अकाउंट में आता है तो हम क्या करते हैं कैपिटल फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारा कैपिटल अकाउंट जो है मान लेते हैं हमारा करंट अकाउंट में जो डेफिसिट है मान लेते हैं वो कितना था माइनस थ्री हंड्रेड ठीक है बिलियन डॉलर है और यहाँ से हमारा सिर्फ कितना आया 250 टू फिफ्टी बिलियन डॉलर कहाँ से कैपिटल से तो मतलब ये पचास बिलियन डॉलर हमारा अभी भी कम पड़ रहा है तो जब हमारा ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आएगा तो हम क्या करेंगे अपने फॉरिक्स रिजर्व से पचास बिलियन डॉलर निकाल के यहाँ पे डाल देंगे अगर सपोज करो यहां पर हमारा में डाल देंगे, अगर आपको ये नहीं समझ ना, अभी तो एक मिनट में समझाऊंगा देखो यहां से समझाऊंगा यहाँ से ये और ये आपको याद रखना ये हमारा दो हजार का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके मुताबिक ये ध्यान से सुनो ये बताया हो कि इंडिया की ट्रेड परफॉर्मेंस कितनी रही है लास्ट दस सालों में लास्ट दस सालों में हमें नहीं जाना हमें सिर्फ यहाँ पे दो हजार तेईस चौबीस का देख लो ठीक है यही वाला देख लो दो हजार तेईस चौबीस में जो रहा है चौबीस में उसको देखो देखो ध्यान से ये जो ब्लू लाइन है ये क्या लिखा हुआ है ये ब्लू लाइन बताती है एक्सपोर्ट कितना हुआ और ये जो ऑरेंज लाइन है वो बताती है इम्पोर्ट कितना हुआ है तो देखो ये जा रही है आपकी ब्लू लाइन और ये आपके ऊपर है ऑरेंज लाइन तो ब्लू लाइन कितनी है सेवन सेवन एट मान लेते हैं सेवन एटी सेवन एटी बिलियन डॉलर ठीक है हमारा हमारा क्या क्या हुआ 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 है हुआ है और हमारा इंपोर्ट कितना हुआ? 850 है ये एक्सपोर्ट, कम किया है. क्या किया? एक्सपोर्ट कम किया है और इंपोर्ट कितना मान लेते तो बिलियन डॉलर ट्रेड में अगर मैं बात करूंगा इसका मतलब क्या हुआ हमें है, में. तो हमारे इसका मतलब क्या हुआ, हुआ होगा हमारे पैसा निकला होगा ठीक है यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ ठीक है तो या, ये याद रखना फिगर कि इस बार जो है तेईस चौबीस में हमारा कितना इंपोर्ट हुआ है कितना एक्सपोर्ट हुआ है ये आपने याद रखना है मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बोल रहा था मैं यही चीज तो आपको बोल रहा हूँ हमारा डेफिसिट होता है और फॉरेक्स रिजर्व से हमें पैसा निकालना पड़ता है तो यही हुआ इस साल कि इस साल हमारा जो है एट जो है माल बिलियन डॉलर जो है हमारा इतना हमने इम्पोर्ट कर लिया और एक्सपोर्ट किया सिर्फ सेवन तो ये जो कुछ कम हुआ इतना मतलब ये है इतना हमने बाहर से ज्यादा सामान ले लिया और हमें बाहर पैसा देना पड़ा तो इतना पैसा अब हमें फॉरेक्स रिजर्व से यहाँ पर डालना पड़ेगा ठीक है ये था ओवरऑल मतलब गुड्स सर्विसेज मिला के अगर मैं सिर्फ गुड्स की बात देखूं तो देखो यहीं पर प्रॉब्लम आती है मर्चेंडाइज गुड्स की बात करूं अब देखो गुड्स में जो एक्सपोर्ट है इस साल का देखो चौबीस का एक्सपोर्ट हुआ है सिर्फ फोर बिलियन डॉलर का बट आप इंपोर्ट देख लो सिक्स सेवेंटी मिलियन डॉलर का यहीं पर डिफरेंस आता है डिफरेंस गुड्स में ही आता है ये देखो कितना डिफेंस है ऊपर ओवरऑल डिफेंस कम ही है यहाँ पर तो कितना ही डिफरेंस है कम ही है ना 60 70 का डिफरेंस होगा बट यहाँ पर डिफरेंस देखो यहाँ पर 200 220 30 का डिफरेंस है बिलियन डॉलर का इसका मतलब गुड्स में हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं बट अगर सर्विसेज में देखो ये देखो सर्विसेज का ये 2024 का ये सर्विसेज है ये आ गया ये कोई ये इंपोर्ट है तो ये एक्सपोर्ट है इसका मतलब सर्विसेज में हम इम्पोर्ट देखो इम्पोर्ट जस्ट 180 एटी बिलियन डॉलर का कर रहे हैं बट एक्सपोर्ट देखो कितना कर रहे हैं 340 फोर्टी बिलियन डॉलर ठीक है तो मतलब ये कितना ज्यादा इससे 160 सिक्सटी बिलियन डॉलर ज्यादा है मतलब सर्विसेज में हम काफी एक्सपोर्ट करते हैं और बट हमारा क्या होता है कि ये जो हम गुड्स है ना गुड्स में बहुत कम एक्सपोर्ट करते हैं जिसकी वजह से हमारा क्या होता है ओवरऑल जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आता है डेफिसिट आता है और जिसकी वजह से हमें फॉरेक्स रिजर्व से पैसा डालना पड़ता है और अगर इस सिचुएशन में हमने पूरा जो कंसेप्ट समझा उसको समझे तो इस केस में क्या होगा हमारे फॉरेक्स रिजर्व से पैसा निकला होगा क्योंकि ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट था कहा तो से डेफिसिट आया सर्विसेज में तो हमारा सरप्लस था बट हमारा जो मर्चेंडाइज गुड्स है मतलब तो जो सामान लेट है उसमें हमारा क्या है है डेफिसिट इसकी वजह से बैलेंस ऑफ ट्रेड में डेफिसिट आया है ठीक है दिस इज क्लियर तो ये आपको याद रखना कि इस बार सर्विसेज में कितना था इसमें गुड्स में कितना एक बार ये रफ फिगर थोड़ी थोड़ी दिमाग में रख लेना क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में ठीक है दिस इज क्लियर अब यहाँ पर एक चीज है आपको सिखानी है मैंने हाँ ये इंपॉर्टेंट है अब ये है इंडिया का फॉरेन रिजर्व देखो फॉरेन रिजर्व क्या है कि मतलब बाहर वाली कंट्रीज का मतलब एक तो हो गया रुपये में पैसा रखना बट फॉरेक्स रिजर्व होता है कि बाहर वाली करेंसी का पैसा रखना मतलब डॉलर रख लेना या युआन में रख लेना येन में रख लेना मतलब किसी बाहर वाली कंट्री के करेंसी में पैसा जो हम रखते हैं ना सेव रखते हैं उसको बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व है तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व अगर मैं अक्टूबर 2024 की बात करूं तो वो 688.27 बिलियन डॉलर था बट मैं अभी न्यूज पढ़ रहा था शाम के टाइम में मुझे लगता है ये 700 बिलियन डॉलर टच कर चुका तो मतलब इतना हमारा फॉरेक्स रिजर्व है तो रफ आइडिया रख लेना इसके आसपास अगर पूछ ले मतलब फॉरेक्स रिजर्व क्या है कि फॉरन करेंसी एसेट फॉर एग्जाम्पल यूएस का डॉलर तो हमारे पास 598 बिलियन तो डॉलर पड़े हुए हैं हमारे पास फिर हमारे पास गोल्ड पड़ा हुआ है गोल्ड बिलियन डॉलर का तो गोल्ड पड़ा हुआ है ठीक है उसके स्पेशल ड्राइंग राइट तो उसमें अठारह बिलियन डॉलर पड़ा हुआ है एक रिवर्स पांच पोजिशन मतलब हमारी आई में कितनी पोजिशन है उसकी उसका पांच बिलियन डॉलर पड़ा बस इतना याद रखो कि क्या कहने के बाद आपको याद ये रखना कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व में अभी नियर अबाउट बिलियन डॉलर पड़ा हुआ है इतना याद रखना और जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आएगा तो हम यहां से पैसा निकाल देते हैं और जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस तो पर पैसा एड कर देते हैं दिस इज क्लियर देखो यार पहले कंसेप्ट समझाया फिर अभी क्या सिचुएशन चल रही है वो समझाई और उसके बेसिस में मैंने आपको पूरा फॉरेक्स रिजर्व अभी का कितना है और बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैसे डेफिसिट दिखाया और ये भी बताया कि सर्विसेज में हमारा क्या होता है सरप्लस होता है और मर्चेंडाइज गुड्स में हमारा जो है है वो डेफिसिट होता है तो ओवरऑल क्या सिचुएशन है ठीक है अब थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने याद रखनी है, है अब एक्सपोर्ट जो अगर मैं गुड्स की बात करूं मर्चेंडाइज जो गुड्स बाहर जाता है गुड्स में आप सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या करते हैं रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट आपको पता है हमारे जो गुजरात वगैरह रीजन है वहां पे कितनी पेट्रोलियम की फैक्ट्रीज लगी हुई हैं हमारे इंडिया में तो पेट्रोल होता नहीं है इतना हम पेट्रोल मंगवाते गल्फ कंट्रीज से बट उसको रिफाइन करते हैं इंडिया में क्योंकि हमारी बहुत जैसे अरदानी वगैरह के ग्रुप्स हैं तो हमारी रिफाइनरीज बहुत अच्छी हैं तो रिफाइनरीज में हम पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं रिलायंस वगैरह की भी कंपनी और फिर रिफाइन करके हम कहां पर बेचते हैं बाहर वाली कंट्रीज में बेचते हैं तो हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट बताए क्या करते हैं रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोजेक्ट को मतलब एटी सिक्स बिलियन डॉलर ठीक है एकदम रिफाइन फिर डायमंड्स भी हम रिफाइन करके बेचते हैं यहाँ से फिर मेडिकसन का जो मटेरियल है उसको बेचते हैं मतलब ये टॉप हम जो चीजें इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा हम इंडिया से क्या एक्सपोर्ट करते हैं रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ये याद रखना ठीक है और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम करते कि यूनाइटेड स्टेट को ठीक है दूसरे नंबर पे यूएई को ठीक है और 2022 में बात करूं इंडिया जो है इंडिया ने सब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया था वर्ल्ड का बिगेस्ट एक्सपोर्टर बना था किसका डायमंड का इतना फैक्ट याद कर लेना क्या चीजें देखिए एक तो इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या होता है रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट फिर हमने देखा इंडिया मोस्टली एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा किसको करता है यूनाइटेड स्टेट्स को करता है ठीक है ये देखा बाकी यूएई वगैरह है और 2022 में हमने सब वर्ल्ड के बिगेस्ट एक्सपोर्टर थे डायमंड के अगर हमें इंपोर्ट की बात करें सबसे ज्यादा मंगवाते क्या है तो सबसे ज्यादा इंडिया क्या मंगवाता है क्रूड पेट्रोलियम कच्चा पेट्रोलियम मंगवाता है क्योंकि उससे बड़ी चीजें बनती है हमारे यहाँ पे आपको पता है अभी भी हम पेट्रोलियम गाड़ियां पेट्रोल डीजल सब डिपेंड करती हैं तो उसमें दूसरे नंबर पे कोल ब्रिकेट्स जो है हम मंगवाते हैं जैसे वो घरों में कोयला वोयला यूज होता है वो चीजें हमें उस स्टीम इंजन ये वो हमें यूज करने के लिए चाहिए होता है ठीक है और हम कहाँ से मोस्टली मंगवाते हैं चाइना से मंगवाते हैं ये चीजें ज्यादातर कहाँ से चाइना से हमारा जो है इम्पोर्ट इम्पोर्ट हम ज्यादातर सबसे ज्यादा इम्पोर्ट हम चाइना से करते हैं ठीक है ये चीज याद रखना अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट है देखो इंडिया का पहले बोला जाता था कि इंडिया का यूएसए सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है मतलब सबसे ज्यादा ट्रेड हम यूएसए के साथ करते हैं बट चाइना ने जो है इंडिया का लार्जेस्ट सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है रिसेंट न्यूज के अकॉर्डिंग मतलब एक बिलियन डॉलर का ट्रेड हो रहा है ठीक है किसके साथ हमारा चाइना के साथ और हमने यूएसए को क्रॉस कर लिया इतना याद कर लेना ठीक है तो 2023-24 तेईस चौबीस की बात अब ये रेमिटेंसीज का भी देख लो कि इंडिया में रेमिटेंसी से कितना पैसा आता है देखो रेमिटेंसिस मतलब फॉर एग्जांपल हमारे जो लोग बाहर वाली कंट्रीज में काम करते हैं जैसे कोई सऊदी में है यू में है गल्फ कंट्रीज में है या कनाडा में है तो वो अपने घरों में जो पैसा भेजते हैं ना उसको बोलते हैं रेमिटेंस उसका भी तो रिकॉर्ड रहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो रेमिटेंसिस इंडिया में कितने आए देखो इंडिया पहली बार तो आपने याद रखनी है इंडिया रेमिटेंसिस में टॉप पे है दो तीन सालों से मतलब इंडिया सबसे ज्यादा रेमिटेंस रिसीव करता है देखो यहाँ पर यही लिखा हुआ है 2023 में इंडिया ने रेमिटेंसिस में टॉप किया था उसके बाद दूसरे नंबर पे मैक्सिको है तीसरे नंबर पे चाइना था और बहुत डिफरेंस है देखो मैक्सिको में कितना पैसा आया रेमिटेंसिस के थ्रो सिक्सटी सिक्स बिलियन डॉलर बट इंडिया में पता कितना आया दो हजार तेईस में एक सौ बीस बिलियन डॉलर और दो हजार चौबीस इस साल में आया एक सौ चौबीस एक सौ पच्चीस बिलियन डॉलर और हम एक्सपेक्ट करें कि दो हजार पच्चीस में हमारा एक सौ उनतीस मतलब लगा के चलो एक सौ तीस बिलियन डॉलर तक पैसा आएगा इंडिया में रेमिटेंसिस में ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है मतलब तो तो याद कर लो दो हजार चौबीस का 125 के अराउंड 124 बिलियन डॉलर डौ, डाला हुआ है ना तो 124 125 चौबीस दो में कितना आया था 120 बिलियन डॉलर तो मतलब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेमिटेंस से पैसा किस में आता है इंडिया में आता है ठीक है दिस इज क्लियर तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा बट एक क्वेश्चन मैंने आपको डाल दिया है हमें देखो इंडिया को वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेमिटेंस रिसीव होता है इतना तो आपको पता चल गया सबसे ज्यादा रेमिटेंस अगर किसी कंट्री में लाता है कोई कंट्री बाहर वाली कंट्री से सबसे ज्यादा पैसा कमा के लाते हैं वो लाता है इंडिया बट आपने मुझे बताना है कि इंडिया को सबसे ज्यादा रेमिटेंस कौन सी कंट्री से फॉर एग्जाम्पल इंडिया के लोग सऊदी अरेबिया में भी काम करते हैं यूएसए में भी करते हैं कैनेडा में भी करते हैं तो इनमें से कौन सी कंट्री है जहां से सबसे ज्यादा रेमिटेंस इंडिया में आता है आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करोगे देखो मैंने आपको बहुत सिंसियरिटी से ये टॉपिक पढ़ा है अगर आपको भी थोड़ी सिंसियरिटी है तो इसको सर्च करना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में दिख जाएगा फिर मुझे मत कोसना कि सर ने वीडियो में नहीं बताया है जबकि मैंने आपको होम असाइनमेंट दी थी ठीक है तो आई होप आपको ये चीजें पसंद आई होंगी इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर हो जाएगी जस्ट आपको क्या करना है आपको इस टॉपिक में जो मैंने आपको बैलेंस ऑफ आप पेमेंट में समझा आपको ये पता होना चाहिए इनमें से कौन सा करंट अकाउंट का पार्ट है कौन सा कैपिटल अकाउंट का पार्ट है दूसरा मैंने आपको ध्यान से सुन लो दो मिनट में उस दूसरा मैंने आपको बताया कि जो मर्चेंटाइज गुड्स का ट्रेड है उसमें इंडिया का डेफिसिट रहता है और जो सर्विसेज है उसका सरप्लस बट ओवरऑल करंट अकाउंट की बात करें तो हम डेफिसिट में कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें तो हम बाहर से उधार भी लेते हैं बाहर कुछ कंट्रीज को उधार देते भी हैं हमारे हम बाहर बाहर से एफडीआई भी आती है एफडीआई होता है इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में लोग करते हैं ये सब है बट अगर सपोज करो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारा डेफिसिट आता है तो हमें क्या करना पड़ता है फॉरेक्स रिजर्व से पैसा डालना पड़ता है और अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस आता है तो फॉरेक्स रिजर्व में पैसा ऐड हो जाता है तो जैसे इस साल की मैंने आपको तेईस चौबीस की एग्जाम्पल बताई तो हमने देखा कि हमारा ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट था थोड़ा तो उसके लिए हमने क्या किया होगा फिर फॉरेक्स रिजर्व से पैसा निकाला होगा तो मैंने आपको ये भी बताया कि इस साल में भी जो पिछले साल में हमारा सर्विसेज में नियर अबाउट एक साठ बिलियन डॉलर का मैं एस्टिमेशन बोल रहा हूँ एक सौ साठ बिलियन डॉलर का हमें सरप्लस था बट हमारा मर्चेंडाइज गुड में तो दो सौ पच्चीस बीस पच्चीस का लगा लो वो कितना था डेफिसिट था मतलब ओवरऑल इसीलिए हमारा क्या आया बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आया ये हमने समझा फिर हमने देखा कि रेमिटेंसिस वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज्यादा आते हैं ठीक है एक बिलियन डॉलर दो में रेमिटेंस आया फिर हमने देखा कि हम टॉप एक्सपोर्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट करते हैं टॉप एक्सपोर्ट रिफाइंड पेट्रोलियम का करते हैं और टॉप इम्पोर्ट हम किसका करते हैं वो भी कच्चा तेल वगैरह चीजें करते हैं ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वो मैंने आपको करा दी हैं। बाकी जो बची खुची कसर रह जाएगी वो मॉक क्वेश्चंस में आ जाएगी या हमारे जो आगे मैराथन सेशन आने वाले हैं बहुत जल्दी आपके पेपर से पहले तो उनमें हम कवर कर लेंगे बाकी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए यही है कि आपकी रिस्पॉन्स के बेसिस में आई हैव डिसाइडेड टू स्टॉट योर ओ बेस्ड मॉक टेस्ट ठीक है जितने भी जगह पे कांस्टेबल के बच्चे हैं वो शेड्यूल मोर और लेस आज या कल आपके साथ शेयर हो जाएगा कब कब टेस्ट होगा तो आप अच्छे से टेस्ट देना और दूसरी चीज है कि आपको सारा ही सिलेबस ऑलमोस्ट मैंने पढ़ाया हुआ है सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब में जाके चेक करो और उनका बेनिफिट उठाओ और अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी जेके एस और डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आप चाहते हो कि जल्दी वीडियो आए इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आई ट्राई मै लेवल बेस्ट में उसमें जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग